जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। आज आते हैं कंगाली अगर रसोई घर में होते हैं ऐसे काम, परेशानी से बचने के लिए भूल से भी ना करें ये गलती। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बहुत किसी के मन में ये रहता है कि किचन कहाँ होना चाहिए, क्या वास्तु दोष हो सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। विभिन्न वीडियो देख करके लोगों के दिमाग में क्वेश्चन सा बन गया है कि क्या करें क्या ना करें। मनुष्य जहाँ पर रहता है, वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की जो एनर्जी होती है वो अपने आगोश में हमें ले करके हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। उसमें पॉजिटिव अगर हम अपने आस पास पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरेगी। अगर हम अंदर से कुछ गंदगी करके रखेंगे या बुरा करते रहेंगे या गलत करेंगे तो हमारे आसपास तो नेगेटिविटी भरेगी ही, साथ में हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है। आसपास की ऊर्जा का प्रभाव भाग्य को उज्जवल करने में या मंद करने में दोनों में ही काम आता है। तो ये आपकी करनी है, आप कैसे अपने आसपास को रखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को रखते हैं ताकि आपका भाग्य प्रबल बनेगा या आपका भाग्य दब जाएगा। घर का एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि है रसोई घर, जहाँ अन्न की देवी अन्नपूर्णा माता और माता लक्ष्मी माता एक साथ वास करती हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि माता लक्ष्मी भी अन्नपूर्णा देवी माता की और तुलसी माता उनकी सहेलियां हैं, इसलिए उनका वास हमेशा आपके घर में उनके साथ होता है। पैसे की अगर परेशानियां आ रही हैं तो ध्यान रखें कि कुछ गलतियां हैं जो आपको भूल से भी अपनी रसोई में नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले ध्यान रखें, रसोई घर या किचन रूम या किचन जो भी कहते हैं वो हर घर में तो होना ही है। भले ही आजकल मॉडर्न टाइम है तो ओपन किचन्स हो सकते हैं, इसके बिना कोई भी घर होती ही नहीं है। ऐसा आपने कोई भी घर नहीं देखा होगा जिसमें रसोई घर ना हो या रसोई का स्थान ना हो। हमारी जो भी एनर्जी होती है बॉडीज की, उसे ग्रो करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में बीमारियां ना आए, रोग ना आए, इसके लिए रसोई घर के लिए भी स्थान चूज किया गया है कि किस दिशा में स्थित होनी चाहिए रसोई घर। वास्तु शास्त्र में ये पूरा पूरा क्लियरली लिखा गया है। रसोई घर में सामान रखने के लिए चाहे तो आप रैक या तो चारों तरफ की दीवारों पे आप बना सकते हैं, परंतु रसोई घर में जब भी रैक हो आप चेक कर लें, या तो उसे दक्षिण यानी साउथ के वॉल पे होना चाहिए या वेस्ट के वॉल पे होना चाहिए। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में। पूर्वी दीवार पे और उत्तर की दीवारों पर रैक बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह से उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की ओर बर्तन आदि रखने की अलमारी बनाई जा सकती है। स्लैब या गैस पट्टी जो है आपके, उसके ऊपर विशेषकर चूल्हे के ऊपर कोई भी रैक या अलमीरा नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जो चिमनीज होते हैं वो तो रहेंगे ही, तो चिमनी का दोष नहीं है, बाकी कुछ आप ना बनवाएं, स्टोर ना बनवाएं उसके ऊपर। रसोई घर में अगर फ्रिज रखना हो तो इसे अग्नि कोण में रखें। अग्नि कोण कौन सा हुआ? साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। या फिर साउथ में रखें यानी दक्षिण में, उत्तर में रखें यानी नॉर्थ में, पश्चिम में रखें यानी वेस्ट में, और वायव्य कोण में आप रख सकते हैं यानी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में। ईशान कोण और नैऋत्य कोण में इन्हें कभी नहीं रखना चाहिए फ्रिज को। ईशान कोण कौन सा हुआ आपका? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका घर का, और नैऋत्य कोण हुआ आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर। अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये बार बार खराब होगी। माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सी, कुछ भी रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ रखें, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्हें आपको साउथ में यानी दक्षिण में रखना चाहिए या फिर आपको अग्नि कोण में रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखना चाहिए। आपके घर में जो भी सिलबट्टा, मिक्सी, झाड़ू, मूसल, ये किसी भी तरह की चीजें, झाड़ू में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि रसोई घर में तो रखना ही नहीं है भूल से भी, जो आपके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको नैऋत्य कोण में रखें, किंतु भूल कर भी इनको ईशान कोण में नहीं रखना है। इसी तरह ओखली, चक्की आदि अगर पुरानी चीजें हैं, नहीं वैसे अगर है तो इनको आपको नैऋत्य कोण या साउथ में ही रखना चाहिए। उत्तर पश्चिम की ओर या नैऋत्य कोण में रसोई का छोटा सा स्टोर रूम या भंडार गृह या स्टोर की अलमारी आप बना सकते हैं। अन्न आदि भारी डिब्बे उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में रखने से घर में कभी भी अभाव नहीं होता है। रसोई घर के इस दिशा में कभी भी खाली डब्बे नहीं रखने चाहिए। दो चार दाने आप
एकदम ध्यान में रखें कि जब भी आप अनाज का डब्बा खाली करें या किसी भी चीज का पूरा खाली ना करें, उसमें दो दाने हमेशा डालकर छोड़ें। इससे कभी भी घर में बरकत में कमी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हैं कहाँ कैसे करना है। सबसे पहले जैसे कि किचन आजकल स्टैंडिंग हो चुका है, बैठकर आजकल खाना नहीं बनाते हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज की बात करती हूँ, वो है चकला बेलन, जिसमें हम रोटी बनाते हैं। रसोई की स्लैब पर कुछ लोग क्या करते हैं कि आजकल रसोई की स्लैब क्लीन है उसी पे बना लेते हैं। कितना भी क्लीन कर ले, लेकिन उसमें जर्म्स होते ही हैं जो हमारे बॉडी में जाते ही हैं। जब ऐसा होगा तो बीमारियां घर से कैसे निकलेंगी। खुद को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपनी रसोई में चकला आपको जरूर रखना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चकला अगर पत्थर का होगा तो बहुत ही अच्छा बात है। ध्यान रखें, जैसा भी हो चकला 3 पाँव का जरूर होना चाहिए, वो भी उसी पत्थर में से जो चकले का है, यानी अलग से ना जोड़ा गया हो। यानी चाहे वो लकड़ी का हो या पत्थर का हो, एक ही पीस होना चाहिए। चकले में 3 अलग अलग जोड़े नहीं होने चाहिए, एक ही सिंगल पीस का कार्य किया जाना चाहिए। बिना पाँव के और अलग से पाँव जोड़े चकले का कोई योग नहीं होता है। ये छोटा सा प्रयोग करके देखें, आपके घर से बीमारियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और धन की बढ़ोतरी होगी। और कहा जाता है कि धन की बढ़ोतरी होगी तो घर में और रसोई में बरकत होगी और आप रोज टेस्टी टेस्टी फूड खा सकते हैं। और टेस्टी टेस्टी फूड बनेंगे तो घर वाले सब खाएंगे भी और खुश भी रहेंगे। श्री कृष्ण का मक्खन खाता हुआ चित्र अगर आपके रसोई घर में स्पेस है या एक छोटी सी तस्वीर आप लगा सकें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का चित्र स्थापित होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। और इसे आपको लगाना है ईस्ट की दीवार पर। ईस्ट या वेस्ट आप कहीं भी लगा सकते हैं, यानी पूर्व और पश्चिम की दिशा पे। माँ अन्नपूर्णा की अगर आप कृपा चाहते हैं तो रसोई घर में पवित्रता और स्वच्छता जरूर बनाकर रखें। हर वक्त साफ रखना चाहिए रसोई घर को। मैं समझ सकती हूँ, छोटे छोटे रसोई होते हैं, बिखर जाते हैं। जब आप रसोई करते हैं तो बिखर जाते हैं, थक जाते होंगे आप। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साफ करने का मन भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी देर बाद साफ सुथरा करके रख लेना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी दोनों सहेलियां हैं, अगर आप गंदगी रखेंगे तो माँ लक्ष्मी वहां नहीं आएंगी। घर का मेन गेट और किचन कभी भी सामने नहीं होना चाहिए, ये आपके घर में पाचन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। अगर ऐसा है और आप चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन करना आपके लिए संभव नहीं है, तो दरवाजे पर पर्दे जरूर लगा दीजिए। इससे आपके रोग तो खत्म होंगे ही, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी बॉडी की, वो भी कम हो जाती है। दूध, दही, घी, तेल, जो भी लिक्विड चीजें हैं, उसको अगर रखने का स्थान आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा उतना मेंटेन आज के जमाने में ना कर पाए, लेकिन जो कर सकते हैं मेंटेन, उनके लिए ये वीडियो। एक छोटा सा रूम बनवा करके भंडार हमेशा अलग रखना चाहिए। भंडार को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए। अगर आपका घर बड़ा है तो एक भंडार घर किचन से सटा हुआ अलग रखना चाहिए। और अनावश्यक सामग्री जो किचन में आप नहीं रख सकते हैं, वो भंडार घर में जरूर स्टोर करना चाहिए। ध्यान रखें, फिर से मैं बता दूं, भंडार घर में भी झाड़ू नहीं रखना है आपको। रसोई घर का शुभ और अशुभ होना उसके द्वार पर भी निश्चित करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा में प्रवेश द्वार नहीं रखना चाहिए। इससे हमेशा घर में संघर्ष होता है और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। रसोई घर के कमरे में उत्तर या पूर्व की ओर खिड़की हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी हो तो एक छोटा सा रोशनदान बना ले ताकि धुआं निकलने में सुविधा हो। चिमनी भी ईशान कोण में ही स्थापित करनी चाहिए। एग्जॉस्ट फैन अगर आप लगा रहे हैं अपने रसोई घर में तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर एग्जॉस्ट फैन लगानी चाहिए, जिससे कक्ष के अंदर की दूषित वायु बाहर निकलती रहे। अग्नि कोण में बने रसोई घर के ऊपर पानी की टंकी कभी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पे संकट मंडराता है। और कभी भी मेकअप रूम कक्ष में सामने के रूम में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगेन कहती हूँ, छोटे फ्लैट्स में रहने वालों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिमाग ना लगाएं आप। पूजा कक्ष, शयन कक्ष व शौचालय के सामने या ऊपर रसोई घर नहीं बनाने चाहिए। ये वास्तु की टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो अपना घर बनाने जा रहे हैं या थोड़े बहुत फेरबदल करने की परिस्थितियों में है तो वही करें। रसोई घर में गैस पट्टी या सिंक के नीचे भी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए। स्थान का अभाव हो या किसी कारण से रसोई घर में पूजा स्थल बनाते भी हैं
तो उससे कक्ष के ईशान कोण में अथवा पूर्व पश्चिम या वायव्य कोण में ही स्थापित करना चाहिए। उत्तर दक्षिण या नैऋत्य में पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए। जितने कम से कम हो सके पूजन की सामग्री रखें, पूजन की तस्वीरें रखें, भीड़ भाड़ ना करें। भोजन कक्ष में वॉश बेसिन की व्यवस्था के लिए उत्तर या पूर्व का कोना सबसे ज्यादा करेक्ट माना जाता है। ऐसा ना बन पड़े तो पश्चिम दिशा की ओर आप वॉश बेसिन रख सकते हैं। अगर भोजन कक्ष जो आपका डाइनिंग रूम है रसोई घर के पश्चिम की अतिरिक्त अन्य दिशा में बना हो तो उस कक्ष में पश्चिम की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। रसोई घर का जो फर्श होता है वो अपने कमरों की सतह से थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए, वो शुभदायक माना जाता है। ज्यादातर क्या होता है, रसोई घर या डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम या जो भी आपका गेस्ट रूम होता है उसकी फर्श अन्य कमरों से नीचे रखी जाती है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हानिकारक होता है। डाइनिंग टेबल की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जो बैठने वाले की नाभि स्थल से थोड़ी सी ही ऊंची हो। टेबल को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बीच में रखना चाहिए और कुर्सियों की संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसी होनी चाहिए, यानी सम संख्या में। 1, 3 या 5 कुर्सी अगर आप रखते हैं तो वो अशुभ मानी जाती है। भोजन कक्ष में अगर आपकी व्यवस्था, अगर रसोई घर में हो सके आपके भोजन कक्ष की व्यवस्था यानी खाने के लिए, यानी आपका डाइनिंग रूम अगर रसोई घर में ही हो तो इसे रसोई में पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। भोजन कक्ष के टेबल में चकोर वर्गाकार या आयताकार ही होना चाहिए। आजकल फैशन में सब लोग राउंड टेबल, ओवल टेबल, तिरछी या तिकोनी मेजों का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है वास्तु के शास्त्र के अनुसार। वास्तु नियमों के अनुसार वायव्य नैऋत्य अग्नि कोण दक्षिण और पश्चिम दिशा में कोई भी कमरा नीची सतह वाला नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके कमरों को उत्तर या पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर हमेशा ढलान की तरह समतल बनाना चाहिए। इस तरह से अगर ईस्ट आपका ऊंचा होगा तो ये अशुभ कहलाता है। इस तरह अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अपनी रसोई घर की व्यवस्था करेंगे तो स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का आपके घर में वास होगा। मैंने आपको बहुत सारे आज उपाय बताए हैं कैसे आपको अपने घर का वास्तु ठीक करना है, कैसे पैसे की परेशानी को आपको दूर करना है वास्तु के अनुसार। अपने किचन में ये चेंजेस करके आप किसी भी तरह की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।